हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेजर द गुड टाइम। डिस्कस कर रहे हैं हम लोग प्रीवियस इयर्स पीजीटी के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे नवोदय विद्यालय समिति के एग्जाम में। तो हम कर रहे हैं लेटेस्ट क्वेश्चन, जो एग्जाम जो सबसे लास्ट में हुई थी वो 2019 में हुई थी, और हम लोग उसी पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लो। जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन प्रेस कर दो, जिससे कि आपको जानकारी मिलती रहे आगे की जो भी वीडियोस आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास फॉर टुडे। सो लेट्स हैव सम गुड टाइम एट लेजर विद मी। सो अभी मैं अपना इमेज थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। So the very first question goes as, Henry James has described a story of wealthy, cultured Americans living in Europe in which of the following novels? कहा जा रहा है इनमें से किस नॉवल ने में हेनरी हेनरी जेम्स ने एक वेल्दी कल्चर्ड अमेरिकन की स्टोरी को डिस्क्राइब किया है। ऑप्शंस हमारे पास क्या है? द गोल्डन बोल, The Town of the Screw, The Portrait of a Lady, and The Ambassadors. Golden Bowl, Golden Golden काफी सुन रहे हैं हम लोग, है ना? इसके पहले भी हमने देखा था द गोल्डन गेट, द गोल्डन हाउस, ये सारे भी हम लोगों को काफी मिला हुआ है। और गोल्डन बोल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है द गोल्डन बोल, द गोल्डन गेट और द गोल्डन हाउस के बीच में, है ना? गोल्डन बोल किसने लिखी है? हेनरी जेम्स ने 1904 में। गोल्डन गेट विक्रम सेठ ने 1986 में लिखी थी, और गोल्डन हाउस सलमान रश्दी ने 2017 में लिखी थी। ठीक है, और ये जो सारे ही नॉवेल्स हैं, ये सब सारे के सारे ही हेनरी जेम्स के नॉवेल्स हैं। द गोल्डन बोल, द टर्न ऑफ द स्क्रू, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और द एम्बेसडर्स। तो कौन सा ऐसा नॉवेल है जिसमें वेल्दी कल्चर्ड अमेरिकन्स को डिस्क्राइब किया गया है? और ये थे कौन? He was an American-born British author and son of Henry James Sr. and the brother of philosopher and psychologist William James and diarist Alice James. So इनकी ये जो इनकी नॉवेल्स थे उसमें किस नॉवेल में ऐसा डिस्क्रिप्शन है? तो वो नॉवेल है द गोल्डन बोल, जो हमारा पहला ही ऑप्शन है। द टर्न ऑफ द स्क्रू एक गॉथिक फिक्शन है। व्हाट इज गॉथिक? दैट इज रिलेटेड विद गोस्ट एंड हॉरर एंड हॉन्टिंग, है ना? जो हॉरर नॉवेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं गॉथिक फिक्शन। एंड व्हाट इज अ नॉवेला? A novella is a short novel. So the turning of the screw, तो क्योंकि gothic fiction है तो ये तो नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे तो ऐसा कुछ हमें बताया नहीं गया है कि वो gothic fiction है। Portrait of a lady क्या है? It's a story of a young, spirited American woman, Isabel Archer, who affronting her destiny. Affront करना मतलब क्या होता है? Criticize, insult, finds it it's overwhelming. She inherits a large amount of money and subsequently becomes a victim of Machiavellian scheming by two American expatriates. Expatriates क्या होते हैं? जो दूसरे देश के हैं लेकिन दूसरे देश में रह रहे हैं, ठीक है? जैसे कि वो अमेरिका के हैं लेकिन वो इंग्लैंड में रह रहे थे। जो स्टोरी कहाँ की है? इंग्लैंड की है। तो वो जो दो अमेरिकन्स रहते हैं कहीं ना कहीं उनके स्कीम में वो फंस जाती है। ये जो प्लॉट है वो है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का। द अम्बेसडर क्या है? इट्स अ डार्क कॉमेडी विच फॉलोज द ट्रिप ऑफ प्रोटैगनिस्ट लुइस लैम्बर्ट स्ट्रेदर टू यूरोप, ठीक है? तो हमारा आंसर हो गया द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज द गोल्डन बोल।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अ पर्सन हु सीक्स टू कन्वर्ट अदर्स टू द क्रिश्चियन फेथ स्पेशली बाय पब्लिक टीचिंग इज नोन एज. तो जो कन्वर्ट कराता है क्रिश्चियन फेथ में, उनको क्या कहते हैं, उस इंसान को क्या कहते हैं. ऑप्शंस क्या है हमारे पास, अ बिशप, अ क्लर्क, अ एवेंजेलिस्ट और अ फादर. तो ये सारे क्या है, ये सारे ही हैं जो पोजीशंस हैं कैथोलिक चर्च में, जो चर्च में पोजीशंस होते हैं वो हैं ये सारे. तो ऐसा कौन करता है. बिशप क्या है, बिशप बहुत ही हाई पोजीशन है जो बहुत सारे चर्चेस को हैंडल करता है एक गिवन एरिया में. ठीक है, क्लर्क तो बहुत ही छोटा पोजीशन होता है. फादर कौन होता है, जिसके आगे हम अपने सिंस को बताते हैं, है ना, वो फादर होते हैं. और इवेंजेलिस्ट कौन होता है, यही वो होता है जो कन्वर्ट कराता है. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द थर्ड ऑप्शन, दैट इज एन इवेंजेलिस्ट. अ प्रीस्ट हु विद अ हाई पोजीशन इन सम ब्रांचेस ऑफ द क्रिश्चियन चर्च हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द चर्चेस इन अ सिटी और अ डिस्ट्रिक्ट, दैट इज अ बिशप. ये बिशप की बात हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग. फ्रैंकेस्टीन अ गॉथिक रोमांस वाज रिटन बाय, अगेन वी आर हैविंग द वर्ड गॉथिक. गॉथिक क्या है, रिलेटेड टू हॉरर. एंड रोमांस भी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है उसमें, एक क्वेस्ट होता है प्रोटैगनिस्ट का, वो बहुत ब्रेव होता है, वो बहुत चैलेंजेस को फेस करता है, उसको ओवरकम करता है. ठीक है, कभी कभी लव इंटरेस्ट होता है और कभी नहीं भी होता है. ठीक है, तो ये किसने लिखी है. तो ऑप्शंस वी आर हैविंग जेन अयर, होरेस वैलपोल, आर एल स्टीवेंसन एंड मैरी शेली. जेन अयर तो कोई राइटर नहीं है, ये तो एक नॉवेल ही है ना, जो किसने लिखी है, शार्लोट ब्रॉन्ट ने लिखी है. मैरी शेली, इसके नाम में सरनेम में क्या है, शेली है. शेली से आप कुछ बता पाओगे. और हॉरेस वैलपोल ये कौन थे, इनकी भी जो नॉवेल थी जो कासल ऑफ ऑरलैंडो, जो गॉथिक नॉवेल थी, ये इसी के लिए जाने जाते हैं. ठीक है, और मैरी शेली जो थी, ये पीबी शेली की वाइफ थी. पीबी शेली कौन थे, रोमांटिक पोइट. ठीक है, ये उनकी वाइफ थी और इन्होंने ही लिखा है फ्रैंकेस्टीन. ठीक है, तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है. फ्रैंकेस्टीन और द मॉडर्न प्रोमीथियस इज एन 1818 नॉवेल रिटन बाय इंग्लिश ऑथर मैरी शेली. फ्रैंकेस्टीन टेल्स द स्टोरी ऑफ विक्टर फ्रैंकेस्टीन, अ यंग साइंटिस्ट हु क्रिएट्स अ सेपियंट क्रीचर इन एन अनऑर्थोडॉक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जेन अयर इज अ नॉवेल बाय द इंग्लिश राइटर शार्लोट ब्रॉन्ट. इट वॉज पब्लिश्ड अंडर द पेन नेम करेर बेल ऑन 19 अक्टूबर 1847. ठीक है, ये शार्लोट ब्रॉन्ट ने लिखी थी. नेक्स्ट, होरेशियो और होरेस वैलपोल के नाम से हम इनको बेटर जानते हैं. ये कौन थे, वॉज एन इंग्लिश राइटर, आर्ट हिस्टोरियन, मैन ऑफ लेटर्स, एंटीक्वेरियन एंड विग पॉलिटिशियन. सो इनकी जो हिज लिटरेरी रेपुटेशन रेस्ट ऑन द फर्स्ट गॉथिक नॉवेल, दैट इज द कासल ऑफ ओट्रेंटो एंड इस लेटर्स. ठीक है, तो इसी के लिए ये जो है वो बहुत ही जाने जाते हैं. आर एस स्टीवेंसन कौन थे, वाज अ स्कॉटिश नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, पोएट एंड ट्रैवल राइटर. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या था, द फोर्थ ऑप्शन, दैट इज मैरी शेली. एक दो आपको ऑप्शंस हमेशा कंफ्यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे होरेस वॉलपोल क्या है, अपने गॉथिक नॉवेल के लिए ही जाने जाते हैं. तो अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर दोगे, आप होरेस वॉलपोल के साथ चले जाओगे. बट इसका आंसर क्या है, मैरी शेली. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग अ डैश, अ कॉमिक कैरेक्टर बाय विलियम शेक्सपियर इज फाउंड इन मोर देन वन ऑफ प्लेस.
अगेन वी आर हैविंग विलियम शेक्सपियर। तो क्वेश्चन तो आसानी होने हैं। और कॉमिक कैरेक्टर, मैंने आपको पहले भी कहा है कि शेक्सपियर के कॉमिक कैरेक्टर्स और फीमेल कैरेक्टर्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या है, कौन सा कॉमिक कैरेक्टर है जो एक से ज्यादा प्लेज में आया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए क्या सारे के सारे ही कॉमिक कैरेक्टर्स हैं। एरियल, ऑप्शंस क्या है, एरियल, एंटोनियो, क्लॉडियस और सन जॉन फॉलस्टफ। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉवेल्स का आइडिया, अगर आपने सॉरी प्लेज का आइडिया, प्लेज को पढ़ा है शेक्सपियर को, तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पे सारे कॉमिक कैरेक्टर्स नहीं है। एरियल कौन था, एरियल एक स्पिरिट था जो द टेम्पेस्ट में आता है, टेम्पेस्ट में, ठीक है। एंटोनियो कौन था, वो द मर्चेंट ऑफ वेनिस का प्रोटैगनिस्ट था, मेन कैरेक्टर था। क्लॉडियस कौन था, क्लॉडियस हैमलेट में मेन जो एंटागोनिस्ट है, जिसने किंग हैमलेट का मर्डर किया था और उसकी वाइफ जो उसकी विडो होती गर्ट्रूड से शादी कर ली थी, वो था क्लॉडियस। तो ये तीनों ही कॉमिक कैरेक्टर्स नहीं है। तो आप देखो कितनी आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया सबका है तो, है ना। तो हमने तो बाकी तीन ऐसे ही एलिमिनेट कर लिए। तो अगर हमको नहीं पता है कौन सा कॉमिक कैरेक्टर है, स्टिल हम कर सकते हैं कि हमारा आंसर सर जॉन फॉलस्टॉफ होना चाहिए, ठीक है। और हमारा आंसर भी यही है, यही वो कॉमिक कैरेक्टर है जो तीन प्लेज में आया है शायद, और एक प्ले में इसके बारे में बातें होती है, इसको प्रेज किया जाता है। वो पर्सनली वहां पे नहीं होता, बट उसका उसके बारे में बातें चलती हैं। ये है वो कॉमिक कैरेक्टर जॉन फॉलस्टॉफ। सो सर जॉन फॉलस्टॉफ इज अ फिक्शनल कैरेक्टर हु अपीयर्स इन थ्री प्लेज बाय विलियम शेक्सपियर एंड इज यूलोजाइज्ड। यूलोजाइज्ड मतलब प्रेज्ड, यूलोजाइज का मतलब होता है प्रेज करना, ठीक है। सिग्निफिकेंस एज अ फुली डिवेलप्ड कैरेक्टर इज प्राइमरीली फॉर्म्ड इन द थ्री हेनरी द फोर्थ पार्ट वन एंड पार्ट टू, वेयर ही इज अ कंपेनियन टू प्रिंस हॉल, द फ्यूचर किंग हेनरी फिफ्थ ऑफ इंग्लैंड। फॉलस्टफ इज फीचर्ड एज द बफूनिश सूटर ऑफ द टू मैरिड वेमेन इन द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, दो प्राइमरीली अ कॉमिक फिगर। अ कॉमिक फिगर फॉलस्टॉफ एम्बॉडीज अ डेप्थ कॉमन टू शेक्सपियर्स मेजर कैरेक्टर्स। तो कैसा है, ही इज अ फैट वेन एंड बोस्टफुल नाइट, ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम ड्रिंकिंग एट द बोर्स हेड इन विद पेची क्रिमिनल्स, लिविंग ऑन स्टोलन और बोरोड मनी। फॉलस्टॉफ लीड्स द अपेरेंटली वेवर्ड प्रिंस हॉल into trouble and is ultimately repudiated after Hall becomes king, ठीक है। तो ये कॉमिक कैरेक्टर होता है जो बेसिकली एक मोटा सा आदमी है, जो एक नाइटफुल है, जो बहुत अपनी तारीफें करते रहता है, डिंगे हाँकते रहता है, और जो छोटे मोटे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ वो ड्रिंक करता है। कहाँ पे करता है, बोर्स हेड इन में, ठीक है। तो एरियल इज अ स्पिरिट हु अपीयर्स इन विलियम शेक्सपियर्स, डिस्कस कर लिया हमने। और किंग क्लॉडियस का भी डिस्कस कर लिया कि ये एंटागनिस्ट होते हैं शेक्सपियर में, और किंग हैमलेट का मर्डर करके उनकी जो विडो होती है गर्ट्रूड उससे शादी कर लेते हैं और प्रिंस हैमलेट के स्टेप फादर हो जाते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग, इट वाज एन अनफॉर्चुनेट डे फॉर हिम टू सी द सेंसेक्स डैश विथ मच लोअर पॉइंट्स। अभी तक हमारे हमको क्वेश्चंस कहाँ से मिल रहे थे, लिटरेचर से, बट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ग्रामर नॉट फ्रॉम लिटरेचर। सो क्या होना चाहिए, इज एंडिंग, एंडेड, एंडिंग और वाज एंडिंग। इट वाज एन अनफॉर्चुनेट डे फॉर हिम टू सी द सेंसेक्स डैश विथ मच लोअर पॉइंट्स, ठीक है। सेंटेंस क्या है, पास्ट में है, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या वॉज एंडिंग होगा, टू सी द सेंसेक्स वॉज एंडिंग विथ मच लोअर पॉइंट्स।
यहाँ पे हमको टेंस नहीं बताना है, हमको यहाँ पे बताना है कि वो कॉन्टिन्यूटी में था। क्या कॉन्टिन्यूटी में था? कि सेंसेक्स जो है खत्म हो रहा था लोअर पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एंडिंग। हमको यहाँ पे कोई भी वर्ब इज या वॉज नहीं लगाना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी दिखाना है क्योंकि वॉज हमें पहले ही बता रहा है इसका टेंस, और यहाँ पे हमें टेंस को बताना नहीं है, सिर्फ हमें कॉन्टिन्यूटी दिखानी है, इसलिए हम एंडिंग लगाएंगे। इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट डे फॉर हिम टू सी द सेंसेक्स एंडिंग विथ मच लोअर पॉइंट्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग ला बेल डेम सेंस मोसी इज अ पोम डिपिक्टिंग लव बिटवीन अ नाइट एंड अ फेरी। द पोम इज रिटन बाय। तो ये जो है ये एक पोम है, ये तो ये किसने लिखा है? इसका मीनिंग क्या है? अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, ठीक है, इसका ये मीनिंग है। और इसमें स्टोरी क्या होती है कि लव होता है किसके बीच बीच में? एक फेरी और एक नाइट के बीच में, ठीक है। तो ये किसने लिखी है? एक तो लव की बात हो रही है, लव इंटरेस्ट हमें ज्यादातर कहाँ मिलता है? लव, ब्यूटी, नेचर की तारीफ, ये सारी चीजें हमें बेसिकली कहाँ मिलती है? रोमांटिक ईरा में, है ना। तो थोड़ा हम गेस कर सकते हैं। तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था जॉन कीट्स ने, इन्होंने ही लिखा था। एमिली डिकिंसन कौन थी? ये अमेरिकन पोइट थी। एडगर एलन पो के बारे में हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि ये अमेरिकन पोएट थे और ये रोमांटिसिज्म का सेंट्रल फिगर थे अमेरिका में। रॉबर्ट साउदी भी रोमांटिक पोएट थे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स को आपको अच्छे से करना है क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि कई क्वेश्चंस इस पे थे। The Labelle Dam Sans Mercy is a ballad produced by the English poet John Keats in 1819. The title was derived from the title of a 15th century poem of Ellen Chartier called Labelle Dam Sans Mercy. Emily Dickinson कौन थी? Was an American poet, discuss कर लिया। Robert Southey was an American इंग्लिश पोएट ऑफ द रोमांटिक पीरियड, डिस्कस कर लिया। ई ए पो के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि वो सेंट्रल फिगर थे रोमांटिसिज्म का और अमेरिकन राइटर थे, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग आर के नारायण फिक्शनल विलेज मालगुड़ी इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन आर मैसूर और मैसूरू, चंडीगढ़, बैंगलोर और चेन्नई। हमने बहुत सुना है मालगुड़ी डेज के बारे में, बहुत बार डिस्कस कर लिया आर के नारायण को, तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो इनका जो फिक्शनल नॉवेल था मालगुड़ी डेज, कहाँ पे सिचुएटेड था? चेन्नई में तो उनका बर्थ हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन चेन्नई, मद्रास। मद्रास कौन? आर के नारायण। तो ये सेटिंग क्या वहीं पे थी? आप ऐसा गेस कर सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उसकी जो सेटिंग थी वो मैसूर में थी, ठीक है। वेरी इजी, क्योंकि सबने देखा है, मुझे लगता है वो मालगुडी डेज टीवी पे भी आता था बहुत पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 2000 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय अनीता देसाई वाज चोजन फॉर द बुकर प्राइज। सो 2000 में अनीता देसाई की कौन सी नॉवेल जो है बुकर प्राइज के लिए चूज की गई थी? तो ऑप्शंस आर क्लियर लाइट ऑफ डे, इन कस्टडी, फास्टिंग एंड फीस्टिंग, क्राई द पीकॉक। तो ये चारों ही जो नॉवेल्स हैं वो अनीता देसाई की ही हैं। अनीता देसाई कौन है? इंडियन राइटर है, ठीक है। ये चारों जो नॉवेल्स हैं वो अनीता देसाई के हैं, और उनमें से इन तीनों को चुना गया था फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन, ठीक है, बुकर प्राइज के लिए। 3 बार ये नॉमिनेट हुई थी बुकर प्राइज के लिए। सबसे पहले क्लियर लाइट ऑफ डे के लिए, फिर इन कस्टडी के लिए, फिर फास्टिंग एंड फीस्टिंग के लिए। तो 2000 में किसके लिए वो सिलेक्ट की गई थी? लेट्स हैव अ लुक। सो शी वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर बुकर प्राइज फॉर फिक्शन क्लियर लाइट ऑफ डे इन 1980। 1984 में
इन कस्टडी के लिए, और 1999 या फिर आप इसको 2000 भी ले सकते हो, तो वो फास्टिंग और फीस्टिंग के लिए, फास्टिंग फीस्टिंग के लिए चूज की गई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फास्टिंग एंड फीस्टिंग। ठीक है, अनीता देसाई वाज एन इंडियन, इज एन इंडियन नॉवेलिस्ट एज अ राइटर। शी हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज 3 टाइम्स। शी रिसीव्ड अ साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1978 फॉर अ नॉवेल फायर ऑन द माउंटेन फ्रॉम द साहित्य अकेडमी। ठीक है, तो इनको 3 बार शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो हमारा क्वेश्चन था कि 2000 में किसके लिए, किस नॉवेल के लिए किया गया, तो आंसर हो जाएगा फास्टिंग एंड फीस्टिंग। सो आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन, दैट इज फास्टिंग एंड फीस्टिंग। नेक्स्ट वी आर हैविंग द डेथ ऑफ जॉन कीट्स वाज कमेमोरेटेड बाय शेली इन हिज एलिजी। अगेन वी आर हैविंग क्वेश्चंस फ्रॉम जॉन कीट्स, और आसान भी अगर क्वेश्चंस आपको जॉन कीट्स से मिल रहे हैं, क्योंकि काफी हमको पता होता है जो मतलब प्रोमिनेंट राइटर्स, पोएट्स, प्ले राइट्स होते हैं, उनके बारे में हमको कुछ कुछ पता होता है। तो अगर उनपे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो एलिजी, एलिजी क्या होता है, जो किसी के डेथ पे, डेथ के बारे में लिखी होती है। ठीक है, तो जॉन कीट्स पे कौन सी लिखी गई थी। ऑप्शन आ, अजोनेस, लिसिडस, एपिटाफ, एलिजी रिटन इन अ कंट्री यार्ड। एपिटाफ, एपिटाफ क्या होता है, एपिटाफ तो कोई एलिजी नहीं है, ये तो अलग ही चीज है ना, ये तो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो एक डेथ पर्सन के लिए लिखे जाते हैं, स्पेशली शायद उनके टोमस्टोन पे लिखे जाते हैं, है ना। जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो जॉन कीट्स बोल के गए थे कि जो मेरे मेरा जो नाम है और डेट है वो नहीं रहेगा मेरे टोमस्टोन पे, और कुछ लाइन वो बताकर गए थे कि यही लाइन को लिखना है ना, तो वो होता है एपिटाफ, हमने डिस्कस कर लिया था। लिसिडस भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये एक पास्टोरल एलिजी है, एलिजी है जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी है, किसके लिए, एडवर्ड किंग के लिए। ठीक है, तो ये तो डिस्कस किया था, तो हमारा सेकेंड, थर्ड और सेकेंड ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, दो ही बच गए हैं, एडोनाइस और एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। तो ये लिखी है थॉमस ग्रे ने, ये लिखी है थॉमस ग्रे ने, और ये जॉन कीट्स के बारे में नहीं, क्योंकि ये उसके बाद के पीरियड के हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा एडोनेस, यही शेली ने लिखी थी कीट्स के बारे में, उनके डेथ के बाद, उनकी डेथ कैसे हुई थी, ट्यूबरक्लोसिस से, एट द एज ऑफ 25। तो ये लिखी थी थॉमस ग्रे ने रिचर्ड वेस्ट पे 1752 में, लिसिडस लिखी गई है 1637 में, और एडोनस लिखी गई है 1821 में। ठीक है, तो आ जाते हैं अब अगले सवाल पर। नेक्स्ट वी आर हैविंग द बेबी डैश 5 नेक्स्ट बर्थडे। अगेन क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, ग्रामर से। सो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बताता है, फ्यूचर, है ना। ऑप्शंस क्या क्या है, विल बी, मे बी, मस्ट बी, इज। फ्यूचर की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, कौन सा वर्ड यहाँ पे है, कौन सा वर्ब है जो हमको बताता है फ्यूचर, वो है विल, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या, ऑप्शन के आंसर क्या हो जाएगा, विल बी, द बेबी विल बी 5 नेक्स्ट बर्थडे। ठीक है, नेक्स्ट, लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। सी द क्वेश्चंस, इतने आसान आसान, इतने प्रोमिनेंट, इतने नोन क्वेश्चंस है, ये तो मतलब सब कर लेंगे। लिरिकल बैलेट्स क्या था, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने एसटी कोलरिज के साथ मिलकर जो बहुत सारे पोएम्स का एक पब्लिकेशन किया था जिसका नाम था लिरिकल बैलेट्स, और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1798 में, और इसी के साथ शुरू हुआ था रोमांटिक पीरियड, है ना। बहुत ही आसान, अब इससे ज्यादा आसान क्या चाहते हो। चलो आ जाते हैं अगले सवाल पे।
So, with a few other poems, is a collection of poems of William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, first published in 1798, and generally considered to have marked the beginning of the English Romantic movement in literature. ठीक है. So next question we are having, Moby Dick or the Whale by Herman Melville, published in 1851, is. तो ये हर्मन मेलविल कौन है? एक अमेरिकन राइटर है. तो उन्होंने जो लिखी है मॉबी डिक और द व्हेल, जो 1851 में लिखी थी, वो क्या है? वो एक ऐसे है, नॉवेल है, लॉन्ग पोम है, या फिर ड्रामा है? तो वो एक नॉवेल है. ठीक है, अब थोड़ा सा हर्मन मेलविल को देख लेंगे तो आपको उनके सारे वर्क्स का आइडिया हो जाएगा. आते हैं अगले सवाल पर. द पीरियड ऑफ रेनेसा इन यूरोप वॉज एन एंथुसियास्टिक पीरियड ऑफ यूरोपियन कल्चरल, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीबर्थ ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज. सी, कितना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्या होगा? रेनेसा सबको पता है कि ये कब, इसका जो टाइम पीरियड था क्या था, क्या था? तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 14th to 17th सेंचुरी. क्या हुआ था इस टाइम पे? बहुत सारे ट्रांजिशन, चेंजेस हो रहे थे, है ना. मिडिल एज से मॉडर्निटी की तरफ लोग बढ़ रहे थे. द रेनेसा इज अ पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री मेकिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम मिडिल एजेस टू मॉडर्निटी एंड कवरिंग द 15th and 16th सेंचुरीज, कैरेक्टराइज्ड बाय एन एफर्ट टू रिवाइव एंड सरपास आइडियाज एंड अचीवमेंट्स ऑफ क्लासिकल एंटिटी. ठीक है, उसके आइडियाज को वो सरपास कर रहे थे, उसको उसको वो क्वेश्चन कर रहे थे. इट अकर्ड आफ्टर द क्राइसिस ऑफ द लेट मिडिल एजेस एंड वॉज एसोसिएटेड विद ग्रेट सोशल चेंज. इन एडिशन टू द स्टैंडर्ड पीरियडाइजेशन, प्रोपोनेंट्स ऑफ अ लॉन्ग रेनेसा मे पुट इट्स बिगिनिंग इन द 14th सेंचुरी एंड इट्स एंड इन द 17th सेंचुरी. नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, कब शुरू हुआ था? 14th सेंचुरी में, और कब तक था ये? 17th सेंचुरी तक था. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, द लिरिकल ड्रामा हेलेस रिटन बाय पी बी शेली वाज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स. तो ये क्वेश्चन किससे आ गया अभी? पी बी शेली से. उनका एक लिरिकल ड्रामा है, कौन सा है? हेलेस है. तो ये किससे इंस्पायर था? ठीक है, अगर बेसिक आइडिया लिया जाए तो जब भी कोई राइटर है या डायरेक्टर है, अगर वो मूवी बना रहा है, अगर वो हिस्टोरिकल मूवी नहीं बना रहा तो पीरियड मूवी नहीं बना रहा, तो वो जब भी वो नॉवेल लिखेगा या कोई प्ले लिखेगा तो बेसिकली अपने ही टाइम पीरियड के टाइम का होगा. जैसे कि हमने देखा था एक वीडियो में कि हमें एक क्वेश्चन मिला था कि ब्रिटिश राज वाला ये कौन सा है जो पार्टीशन पे आधारित है. तो उसमें जो सारे ही ऑप्शन थे वो, उनमें क्या था, वो इंडिपेंडेंस का थीम था कहीं ना कहीं, क्योंकि वो टाइम ही वही था, है ना. अर्ली जो फर्स्ट सेंचुरी है, 20th सेंचुरी, उसका जो फर्स्ट हाफ है, उस टाइम यही चल रहा था ना, आजादी की लड़ाई चल रही थी. बेसिकली इस टाइम पे जो चल रहा होगा तो उनके नॉवेल में या पोम में या प्ले में उसी का जिक्र होगा, है ना. तो पीवी शेली कब से है? रोमांटिक एरा से है. तो थोड़ा अगर हम सोचेंगे तो जो द फर्स्ट क्रूसेड है, ये तो बहुत पहले, शायद 11th सेंचुरी में कभी हुई थी, है ना. द 100 ईयर्स वॉर्स भी पहले ही हुआ था 12th और 13th सेंचुरी में. द जर्मन पीजेंस वॉर भी 15 या 16 सेंचुरी में हुई थी. द ग्रीक वॉर ऑफ लिबरेशन और इंडिपेंडेंस, यही जो है वो 17th 18th सेंचुरी के टाइम पे हुई थी, और रोमांटिक पीरियड भी इसी टाइम पे था. तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि यही आंसर होना चाहिए. दूसरा, रोमांटिक पीरियड में ग्रीक का बहुत ज्यादा जिक्र होता है, बहुत इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है, तो अगर हमने इसको नहीं पढ़ा तो हम इसको इस तरीके से टैकल कर सकते हैं कि हमारा आंसर ये होना चाहिए, और हमारा आंसर है भी यही. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप नहीं पढ़ोगे, ये आप तभी कर पाओगे जब आपको आइडिया होगा ये चारों जो बैटल हुए थे उसका.
ठीक है। सो हेलेस इज अ वर्स ड्रामा बाय पीवी शेली, रिटन इन 1821 एंड पब्लिश्ड इन 1822 बाय चार्ल्स एंड जेम्स ओलिवर इन लंदन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा ग्रीक वॉर पे। शेली रोट इट वाइल लिविंग इन पिसा विद अ व्यू टू रेजिंग मनी फॉर द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इट वॉज टू बी शेलीज लास्ट पब्लिश्ड पोएम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये शेली की लास्ट पोएम थी, तो कौन सी शेली की लास्ट पोएम थी। फाइन, सो द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑल्सो नोन एज द ग्रीक रेवोल्यूशन और द ग्रीक रेवोल्यूशन ऑफ 1821 वॉज अ सक्सेसफुल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाई ग्रीक रिवॉल्यूशनरीज अगेंस्ट द ओटोमन एम्पायर बिटवीन 1821 एंड 1829। द ग्रीक्स वर लेटर असिस्टेड बाय द ब्रिटिश एम्पायर, किंगडम ऑफ फ्रांस एंड द रशियन एम्पायर, वाइल द ओटोमन्स वर एडेड बाय द नॉर्थ अफ्रीकन वेसल्स, पर्टिकुलरली बाय इयलेट ऑफ इजिप्ट। द वॉर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न ग्रीस। ठीक है, इसी वॉर के बाद क्या हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीस हुआ था, जो मिस्र है, जो मॉडर्न आधुनिक मिस्र है, उसका जो फॉर्मेशन हुआ था इसी वॉर के बाद हुआ था। ठीक है, सो ये 1821 से 1829 के बीच का ये है। और द रेवोल्यूशन इज सेलिब्रेटेड बाय ग्रीक्स अराउंड द वर्ल्ड एज इंडिपेंडेंस डे ऑन मार्च 25। ठीक है, ग्रीक्स इसको इंडिपेंडेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, कब, 25 मार्च को। नेक्स्ट, द फर्स्ट क्रूसेड वॉर, ये देखो कब हुआ था, ये 11th सेंचुरी का है, वॉज द फर्स्ट सीरीज ऑफ रिलीजियस वॉर और क्रूसेड्स इनिशिएटेड सपोर्टेड एंड एट टाइम्स डायरेक्टेड बाय द लैटिन चर्च एंड इन द मेडिवल पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम 100 ईयर्स वॉर, ये कब हुआ था, और ये 15th सेंचुरी में हुआ था। वॉज अ सीरीज ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द किंगडम्स ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस। ठीक है, और जर्मन पीजेंट्स वॉर कब हुआ था, वॉज अ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिवोल्ट इन सम जर्मन स्पीकिंग एरियाज इन सेंट्रल यूरोप फ्रॉम 1524 टू 1525। ठीक है, तो ये 16th सेंचुरी में था और ये फेल हो गया था। इट फेल्ड बिकॉज ऑफ इंटेंस अपोजिशन फ्रॉम द अरिस्टोक्रेसी हु स्लॉटर्ड अप टू 1 लाख टू 3 लाख पुअरली आर्म्ड पीजेंट्स एंड फार्मर्स। द सर्वाइवर्स वर फाइंड एंड अचीव्ड फ्यू इफ एनी ऑफ देयर गोल्स। ठीक है, तो ये जो वॉर है फेल हो गया था, क्योंकि क्या होता है, अरिस्टोक्रेसी जो लोग थे उन्होंने बहुत सारे जो पुअर लोग थे, लगभग 3 लाख लोगों को मार डाला था। नेक्स्ट वी आर हैविंग द वर्ड ब्लाइड इन इंग्लिश पोइट्री सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग्स। इसमें इंग्लिश पोइट्री की कोई बात ही नहीं है, आपको तो बस इस वर्ड का मीनिंग बताना है। तो इस वर्ड का मीनिंग होता क्या है, वैलर का मतलब क्या होता है, करेज, साहस, पेन का मतलब पता है, दर्द इसका मतलब भी पता है, निराशा। सो ब्लाइड का मतलब होता है हैप्पीनेस, केयर फ्री एटीट्यूड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इज रिटन बाय, तो ये किसने लिखी है, हमने कई बार डिस्कस कर लिया है आरके नारायण और मुल्कराज आनंद को, तो इनको और डिस्कस नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि हमने इन दोनों के बारे में कभी डिस्कस किया है कि इन्होंने लिखी है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारे आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन हमारा बच गया है शशि थरूर और नीरज सी चौधरी। तो शशि थरूर कौन है, जो इन यूके में बॉर्न हुए थे और इंडिया में रेज हुए हैं, और ये एमपी हैं केरला से, तो ये अपने इंग्लिश के लिए बहुत जाने जाते हैं। और नीरज सी चौधरी, इन्होंने ही लिखी है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, तो यही है हमारा आंसर। सो नीरज चंद्र चौधरी वॉज एन इंडियन राइटर, हिज मास्टरपीस
द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अनोन इंडियन पब्लिश्ड इन 1951 पुट हिम ऑन द लॉन्ग लिस्ट ऑफ ग्रेट इंडियन राइटर्स। ठीक है, इसके बारे में क्या है, ये इनका जन्म जो है यूके में हुआ था और ये इंडिया में पले बड़े थे। नेक्स्ट, अ डेबेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी इज नोन एज। डेबेस्ड मतलब ऑफ लो क्वालिटी, ऑफ पुअर क्वालिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ट्रेवेस्टी क्या होता है? ट्रेवेस्टी में क्या करते हैं, ये काइंड ऑफ मॉकरी होती है, मॉकरी, मजाक उड़ाते हैं किसी प्ले का, उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, फार्स हमने डिस्कस किया था, बहुत ही रिडिक्यूलस प्लॉट होता है, ओवर द टॉप कॉमेडी होती है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, मास्क क्या होता है, इसमें बहुत सारा म्यूजिक, सिंगिंग, डांस, ये सब इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो डेबेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी क्या होती है, वो होता है मेलो ड्रामा, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस होते हैं, हद से ज्यादा रोना, हंसना, एक्सप्रेशंस दिखाना, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम कहते हैं मेलो ड्रामा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज मेलो ड्रामा। नेक्स्ट वी आर हैविंग, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इन हिज अर्ली लाइफ ही वाज फॉस्टर्ड बाय टू इन्फ्लुएंसेस, ब्यूटी एंड फियर। क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसने बोला है कि वो दो जो इन्फ्लुएंसेस है उससे, फॉस्टर मतलब पालना पोसना, जो कि पेरेंट्स का काम होता है, तो वो किससे, किसने उन्हें पाला पोसा है, तो वो कौन है, ब्यूटी एंड फियर है। वो कह रहे हैं कि ब्यूटी एंड फियर से वो फॉस्टर हुए हैं, तो ऐसा कहना किसका है। ऑप्शंस वी आर हैविंग, डब्ल्यू बी ईट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, अल्फ्रेड टेनिसन एंड जॉन डन। ठीक है, तो जब भी ब्यूटी की बात आती, एक बार तो हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये कहीं रोमांटिक्स या रोमांटिक पीरियड से तो नहीं है, है ना। तो डब्ल्यू बी ईट्स कौन थी, ये 20th सेंचुरी के थे, ये आयरिश राइटर थे, पोइट थे, ये 20th सेंचुरी के थे। विलियम वर्ड्सवर्थ तो बहुत पता है हमको, बहुत अच्छे से पता है, इन्होंने रोमांटिक पीरियड की शुरुआत की थी एसटी कॉलिनिज के साथ मिलकर। अल्फ्रेड टेनिसन भी विक्टोरियन पीरियड से हैं, और जॉन डन तो एलिजाबेथन पीरियड से है ना, मेटाफिजिकल पोइट है। तो हमको क्या लगता है, अगर हमको थोड़ा सा आइडिया अगर हम लगाएं, तो हमको लगता है कि आंसर क्या होना चाहिए, विलियम वर्ड्सवर्थ। और हमारा आंसर भी यही है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही कहा था कि ही वाज फॉस्टर्ड बाय टू इन्फ्लुएंसेस, दैट इज ब्यूटी एंड फियर। इन द ओपनिंग बुक ऑफ द प्रिल्यूड, जो उनकी मास्टरपीस भी है, वर्ड्सवर्थ इलस्ट्रेट्स हिज क्लेम दैट ही वाज फॉस्टर्ड अलाइक बाय ब्यूटी एंड फियर। डब्ल्यू बी ईट्स कौन थे, तो 20th सेंचुरी के आयरिश पोइट हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, राइटर हैं, एंड वन ऑफ द फोरमोस्ट फिगर्स ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। ही वाज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल एंड बिकेम अ पिलर ऑफ द आयरिश लिटरेरी एस्टैब्लिशमेंट। हु हेल्प टू फाउंड द एबे थिएटर। इन हिज लेटर ईयर्स ही सर्व टू टर्म्स एज अ सीनेटर एंड ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट। ठीक है, टेनिसन कौन थे, वो इंग्लिश पोइट थे जो विक्टोरियन एज से थे। जॉन डन कौन है, इंग्लिश पोएट है और सोल्जर है, स्कॉलर है, एंड वो जो थे वो एलिजाबेथन पीरियड से थे, वो मेटाफिजिकल पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस दैट टेल अस ऑफ द सैडेस्ट थॉट। These poetic lines occur in which of the poems by Shelley? तो हमको एक तो बता दिया गया कि ये शेली ने लिखी है, ठीक है, पीबी शेली ने लिखी है, जो कौन है, रोमांटिक पोइट है। ठीक है, अब पूछा गया है कि वो किस पोएम में आती है। पहले तो हमको इन पोएम्स का आइडिया होना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है, द क्लाउड, लव फिलोसफी, टू अ स्काई लार्क और माउंट ब्लैक। ठीक है, तो ये जो सारे ही ऑप्शंस हैं, ये सारे ही जो पोएम्स है वो पीबी शेली के लिए। ठीक है, टू अ स्काईलार्क हमने कई बार डिस्कस किया है कि ये एक ओड है,
जो स्काईलार्क को डेडिकेटेड है। वो स्काईलार्क क्या होती है? एक सॉन्ग बर्ड है। क्या है? सॉन्ग बर्ड, जैसे कि नाइटिंगेल है। जैसे कि जॉन कीट्स ने लिखी है ओड टू द नाइटिंगेल, वैसे ही पीबी शेली ने लिखी है टू अ स्काईलार्क। द क्लाउड, द क्लाउड, द क्लाउड में क्या, पीवी शैली ने क्लाउड को पर्सोनिफाई किया। पर्सोनिफाई करना मतलब उसको ह्यूमन एंटिटी बताना, ठीक है। मॉन्ट ब्लैंक क्या है? मॉन्ट ब्लॉक तो वैसे तो यूरोप का एक माउंटेन है, तो इसमें भी इतनी बात नहीं हुई है सॉन्ग्स को लेकर। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो स्वीटेस्ट सॉन्ग हमको थोड़ा सा हिंट मिल रहा है, क्या ना, स्काईलार्क है। जब गाने वाली चिड़िया की बात हो रही है तो सॉन्ग गानों की बात हो रही है ना, तो थोड़ा हम लॉजिक लगा सकते हैं और हमारा लॉजिक सही भी है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? टू आ स्काईलार्क, ये इसी पोएम की लाइंस है। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट, ठीक है। सो 1820 में पीवी शेली ने इसको कंप्लीट किया था। क्लाउड में क्या किया है इन्होंने? शेली पर्सोनिफाइज द क्लाउड, इन अदर वर्ड्स ही गिव्स इट लाइफ एंड अ पर्सनालिटी। फर्दर मोर द पोएट मेक्स द क्लाउड टेल इट्स ओन लाइफ स्टोरी सो दैट द पोएम बिकम्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द क्लाउड। शेली कंसीव ऑफ द क्लाउड एज अ सेपरेट लिविंग एंटिटी। माउंट ब्लैंक भी क्या है? एक ओड है जो पीवी शेली ने लिखी है, ठीक है। ये क्या माउंट माउंट ब्लैंक है क्या? ये वेस्टर्न यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट टेंसेस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। सबका क्वेश्चन कहां से आ गया है? टेंसेस से, ग्रामर से, ठीक है। The sentence is, this year the monsoon in India dash weakened by El Nino. ठीक है, तो options क्या क्या है? Has been, is, will be and was. तो क्या होना चाहिए? This year the monsoon in India has been, is, will be, was weakened by El Nino. ठीक है, तो यहाँ पे जब मॉनसून क्या होता है? एक टाइम पीरियड के लिए रहता है ना। जब भी हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो हमेशा हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता हैज हैव का यूज करते हैं, उसके साथ हम वी फोर का यूज करते हैं कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूटी हो नहीं रही, अभी की बात नहीं है, है ना, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमें बताएगा, हैज बीन, दिस ईयर द मॉनसून इन इंडिया हैज बीन वीकेंड बाय एलिनो, ठीक है। तो जब तक मॉनसून रहा तब तक वो एलिनो की वजह से वीक रहा है। तो एलिनो क्या है? इज अ क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब्स द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर्स इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, इन इंग्लिश लिटरेचर मिराकल प्लेस डेल्ट विद द लाइफ ऑफ सेंट्स एंड मिस्ट्रीज विद सम थीम्स टेकन फ्रॉम। हाउ इजी, अभी से आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है ना। मिराकल प्लेस बता दिया गया है, ये किस, ये कहाँ से लिया गया है, इसके जो थीम थे या ये हम कहाँ से लेते थे, ये भी हमको बता दिया है कि ये सेंट्स के लाइफ पे होता था, मिस्ट्रीज विद सम थीम्स, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस दिया हुए हैं, ये सारे हमें इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। सॉरी, ऑप्शंस क्या है हमारे पास? द बाइबल, द ओडिसी, द थियोलॉजी और द इलियड। इसमें से द ओडिसी और द इलियड ये तो किसने लिखी है? तो होमर ने लिखी है ना। तो क्या ये इन्हीं का ये इनसे ही थीम लिया गया था? थियोलॉजी क्या होती है? थियोलॉजी तो होता है स्टडी ऑफ रिलीजन, स्टडी ऑफ रिलीजन को हम कहते हैं थियोलॉजी। तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ओडिसी और इलियड भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? द बाइबल। इसका थीम जो है वो बाइबल से लिया जाता था, और मिराकल प्लेस 13-14 सेंचुरी में लिखी जाती थी। इनको प्लेस ऑफ सेंट्स भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है,
इससे मतलब अब क्या ही चाहते, इतने आसान आसान इतने प्रोमिनेंट क्वेश्चंस आपको आए हैं, तो थोड़ी सी तैयारी के साथ आप ये जो एग्जाम है वो आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो मिरेकल प्लेस ऑल्सो कॉल्ड सेंट्स प्लेस वन ऑफ द थ्री प्रिंसिपल काइंड्स ऑफ वर्नाक्यूलर ड्रामा ऑफ द यूरोपियन मिडिल एजेस, ठीक है, अलॉन्ग विद द मिस्ट्री प्ले एंड मोरालिटी प्ले। मिरेकल प्ले प्रेजेंट्स अ रियल और फिक्शियस अमाउंट ऑफ लाइफ, मिरेकल्स एंड मार्टिरडम ऑफ अ सेंट। द जॉनरा इवॉल्व फ्रॉम लिटरेचरल ऑफिसेस डेवलप्ड ड्यूरिंग द 10th एंड 11th सेंचुरीज टू एनहांस कैलेंडर फेस्टिवल्स। सो बाय द 13th सेंचुरी दे हैड बिकम वर्नाक्यूलराइज एंड फिल्ड विद अन इलेक्ट्रिसिटिकल एलिमेंट्स। और ओडिसी क्या है? होमर की पोम है। इलियड भी होमर की पोम है। और थियोलॉजी तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये स्टडी ऑफ रिलीजन होता है। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग द डॉक्टर ऑलवेज कम्स। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ग्रामर, बेसिकली फ्रॉम कंजंक्शन। सो कंजंक्शन से हमको पहले भी कई क्वेश्चंस मिले हैं। तो डॉक्टर आता है, डॉक्टर हमेशा आता है, व्हेनेवर मतलब जब भी, व्हाइल कब लगाते हैं हम लोग? बेसिकली हम लोग लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ऑफन मतलब अक्सर, हमेशा आता और अक्सर आता, ये तो उल्टा हो गया ना, ठीक है। डॉक्टर हमेशा आता है, अक्सर जब रिक्वेस्ट किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल चला गया। समटाइम्स ही इज रिक्वेस्टेड, द डॉक्टर ऑलवेज कम, समटाइम्स ही इज रिक्वेस्टेड, ये भी मीनिंगलेस चला जा रहा है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो चले गए, ठीक है। तो कौन सा आपको लग रहा है बेटर अभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन एवर ही इज रिक्वेस्टेड, जब जब रिक्वेस्ट की जाती है वो डॉक्टर हमेशा आ जाता है, मतलब जब भी रिक्वेस्ट करो वो आते हैं, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वन, वेरी इजी, ये आई गेस ये तो आप सभी कर लोगे, इसके लिए किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वी आर हैविंग ईस्ट ऑफ ईडन, अ नॉवेल पब्लिश्ड इन 1952 वाज रिटन बाय। तो जो नॉवेल है ईस्ट ऑफ ईडन जो 1952 में पब्लिश हुई थी वो किसने लिखी है? विलियम फॉकनर, जॉन स्टीनबेक, जेम्स कूपर और एमिली डिकिंसन। विलियम फॉकनर का नाम हमने पहले भी बहुत सुना, क्या सुना? कि ये अमेरिकन पोएट थे, राइटर थे, प्ले राइट थे, जो जिन्होंने जिनकी एक फिक्शनल प्लेस थी मिसिसिपी में, उसी पे ये शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे, है ना। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आया है। एमिली डिकिंसन अमेरिकन पोएट थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है जॉन स्टीनबेक, इन्होंने ही लिखी है ईस्ट ऑफ ईडन। सो ईस्ट ऑफ ईडन इज अ नॉवेल बाय अमेरिकन ऑथर, नोबेल प्राइज विनर जॉन स्टीनबेक, पब्लिश्ड इन सितंबर 1952। द वर्क इज रिगार्डेड बाय मेनी टू बी स्टीनबेक्स मोस्ट एम्बिशियस नॉवेल, बाय स्टीनबेक हिमसेल्फ टू बी हिज मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस का मतलब मास्टरपीस, मास्टरपीस। विलियम फॉकनर का डिस्कस कर लिया कि ये जो है ये काउंटी, वो ये फिक्शनल प्लेस था जिसपे वो नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे, ठीक है। जेम्स कूपर वाज एन अमेरिकन राइटर ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, हिस्टोरिकल रोमांसेस डिपिक्टिंग कॉलोनिस्ट एंड इंडिजिनियस कैरेक्टर्स फ्रॉम द 17th टू द 19th सेंचुरीज ब्रॉट हिम फेम एंड फॉर्च्यून। तो ये एक अमेरिकन राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास एवर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी इज। सो कौन सी? अगेन वी आर हैविंग विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया है कि कौन सी उनकी ड्रामा है जिसको हमें हम डार्क कॉमेडी कहते हैं, सबसे डार्क कॉमेडी जो है वो कौन सी है? ऑप्शन आर मेजर फॉर मेजर, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। तो आपको शेक्सपियर अच्छे से कर लेना, उसकी कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, ट्रेजेडीज सब आपको देख लेना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेजर फॉर मेजर, यही वो ड्रामा है जो जिसमें बहुत ही डार्क कॉमेडी है, ठीक है।
So the last question for today's class, we are having One Impulse from a Vernal Wood, Many Teach You More of Man, of Moral Evil and of Good Than All the Sages Can. This was written by Dash in his poem The Tables Turned. तो पोएम का नाम क्या है द टेबल्स टर्न. उसके कुछ लाइंस भी दे दिए गए हैं. अब पूछा जा रहा है कि ये किसने लिखा है. ठीक है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देंगे तो यहाँ एक वर्ड है टीच, है ना. तो वर्ड्सवर्थ जो है वो हमेशा क्या कहते हैं कि नेचर जो है वो टीचर है ना. वो नेचर को ही टीचर मानते थे. तो हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो हमको लगता है कि इसका आंसर विलियम वर्ड्सवर्थ होना चाहिए. और इसका आंसर विलियम वर्ड्सवर्थ है भी. ठीक है, विलियम ब्लेक भी क्या थे, वो भी एक रोमांटिक पोएट थे. सो द टेबल्स टर्न्ड इज अ पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1798 एंड पब्लिश्ड इन हिज लिरिकल बैलेट्स. लिरिकल बैलेट्स में ही ये पब्लिश हुई थी. The poem is mainly about the importance of nature. It says that books are just barren leaves that provide empty knowledge and that nature is the best teacher which can teach more about human evil and good. Wordsworth describes the beautiful songs of birds like the woodland linnet and the throstle. ठीक है, Charlotte Smith is an English novelist and poet of the school of sensibility. Mary Robinson कौन है? Was an English actress, poet, dramatist, novelist, and celebrity figure. सो दैट सॉल्व फॉर टूडे. आई गेस आपको चीजें क्लियर हुई. क्वेश्चन बहुत ही आसान है, प्रोमिनेंट है जैसा कि आपने देखा. तो थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ आपकी जो एग्जाम है वो क्लियर हो सकता है. मैं ये वीडियोज बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बनाती हूँ कि स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको टाइम नहीं है कि वो अपने प्रिपरेशन को टाइम दें या जो वर्किंग है. तो मुझे मेरा इंटेंशन ये होता है कि मैं वीडियोस ऐसे बनाऊं कि सिर्फ वीडियो देख के भी आपका प्रिपरेशन पूरा हो जाए. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे कि जो लेटेस्ट वीडियोस है उनके बारे में आपको पता चल सके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.